हवा इतनी तेज चल रही है ना, तो इसलिए हमने नहीं लिए। जिम्मी के लिए नया बेड लेकर आए। समझ नहीं आ रहा भैया यार, बट वो कंफ्यूज है कहाँ उनको जाना चाहिए। तो फिलहाल ये और वो, आग बहुत अच्छी जल रही है। मियां इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ध्यान से जाना। बाय भैया, इसके भरोसे खाना खा लूंगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग होगा पूरा पूरा का पूरा छत पे, क्योंकि छत को कर रहे हैं आज डेकोरेट। और बिकॉज बीच में ना छत पे बहुत सारा काम चल रहा था, तो पूरी घास इधर उधर तितर बितर हो गई थी, तो पूरा सेट करेंगे। तो गाइस, छत की हालत ना कुछ ऐसी हो रखी है, तो छत को ना पूरा अच्छे से देखो। हम तो इतना मेहनत जो है वो नहीं कर सकते हैं, मतलब इतनी प्रेशर नहीं लगा सकते बॉडी के। तो मैं इनको बताती जाऊंगी और राहुल और रोली काम कर देंगे यहाँ पे। तो गाइस, हवा इतनी तेज चल रही है ना कि जितनी बार झाड़ू लगा रही है रोली, उस उतनी बार ही ना सारा कूड़ा वापस उठ रहा है। तो ना मैं ये सोच रही हूँ कि पहले ना पूरे पानी पे छिड़काव, पूरी छत पे छिड़काव कर देते हैं पानी का, उसके बाद जो है ना वो मिट्टी विट्टी बैठ जाएगी। फिर तिल्ले की झाड़ू मंगाती हूँ, तिल्ले की झाड़ू से झाड़ू लगाते हैं, उससे होगा ये काम, फूल की झाड़ू से नहीं होगा। तो आपको दिख रहा होगा, देखो झाड़ू लग रही है और कूड़ा उड़ रहा है, उड़ रहा है, उड़ रहा है, क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही है। तो गाइस, अभी ना हमारे ना 18 से 19 गिफ्ट रह गए हैं। पल है 18 से 19 गिफ्ट में समझ नहीं आ रहा क्या ले। तू जा रहा है? नहीं आ रहा। तो गाइस, आप लोग भी कमेंट करना क्या ले। कल एक कमेंट आ रहा था पल कि आप शूज ले सकते हो। तो गाइस, हम ना शूज इसलिए नहीं लिए, शूज और कपड़े, क्योंकि वो उनको खुद को अच्छा लगता है अपनी चॉइस का, मतलब कि कपड़े लेना, लोअर लेना, टी शर्ट लेना, जैकेट लेना। अभी थोड़े दिन पहले वो इतने सारे कपड़े लेकर आए अपने बर्थडे के लिए, तो इसलिए हमने नहीं लिए। और गाइस, हमारा जो प्लान था ना बर्थडे सेलिब्रेट करने का, इनका बर्थडे छत पे, वो हो गया पोस्टपोन, क्योंकि छत का जो प्लान है वो अभी हमें सही नहीं लग रहा। चीकू के पापा कह रहे हैं कि छत पे क्या है, पूरा का पूरा गैदरिंग नहीं हो पाएगा और दिक्कत होगी, ऊपर नीचे करोगे तुम भी परेशान होगे, फिर छत पे साफ सफाई कराओ। तो हम सोच रहे हैं कहीं बाहर किसी रेस्टोरेंट में या कोई क्लब में या कोई फार्म हाउस बुक करते हैं, वहाँ पे करेंगे बर्थडे सेलिब्रेट। पायल, तूने भी पुलाव बनाए थे ना शेफी भाई के लिए? तो शांति बोल रही थी, कह रही जो दीदी जैसे पुलाव बनाती है ना, वैसे पुलाव मुझसे नहीं बनते, एकदम खिले खिले नहीं। मेरे पुलाव में क्या होता है, पानी या तो ज्यादा हो जाता है तो कम हो जाता है। तो पायल, तेरी टेक्निक क्या पुलाव की, पानी एकदम एक्यूरेट आता है? तो फिर उसको अंदाजा नहीं आता, सबका अपना अपना अंदाजा होता है। हाँ, वो मुझे बोल रही केरी भाप, दीदी कभी कम हो जाता है कभी ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे ना नितिन भैया जिमी के लिए नया बेड लेकर आए हैं, इसकी कटिंग भी करा दी है जिमू। तो यहाँ पे ना हमें बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है, ये छोटे छोटे जो पैचेज है ना इसको ढूंढने में पता नहीं चल रहा कौन सा हिस्सा कहाँ पर है, कौन सा हिस्सा कहाँ पर है। भैया, कहाँ का होगा? भाभी, लाइव पजल गेम है ना ये तो। पतले वाला भैया, सबसे खतरनाक पजल है ये। जिम्मू प्यारी, जिम्मू नहा के आ गया। तो आज ना जिम्मी की कटिंग हो गई, इतना क्यूट लग रहा है ये, आराम से बैठा है, धूप सेक रहा है। और हम लोग भी यहाँ पे हैं, नितिन भैया राहुल झूला लगा रहे हैं, पायल यहाँ पे लेटी हुई है, चीकू वहाँ पे कार्टून देख रहा है, सब धूप सेक रहे हैं। नितिन भैया, यहाँ लंच कर लेते हैं, मैंने सामान मंगवाया पायल ने, यहाँ ही करते हैं। पुलाव बनाए पायल ने, मटर डाले आप अलग कर लेना, पायल मटर डाले ना, मटर, गाजर, गोभी, आलू, बैंगन सब डाले। जिम्मू, राहुल, जिम्मी ने खाना खा लिया? तो ये ना जिम्मी का नया बेड है, इसके लिए हम लेकर आए, क्योंकि अब सर्दी आ रही है तो ये जमीन पे रहता है ना ठंडा लग जाए। पायल, इसको आदत पड़ जाएगी बेड पे सोने की 2-4 दिन में। सही है ना? जिम्मी सो जा बेटा, धूप से एक और सो। पायल, नितिन भाई का कैमरा देख रही है, बिल्कुल सामने रखा हुआ है गाइस, नितिन भाई ने कैमरा भूल गए। और ये चारकोल का डब्बा ऊपर रखा है, हवा आएगी सारे गिर जाएंगे। ऊपर की छत के लिए वो ले आते गमले, वमले नीचे के गमले ऊपर रखवा देते हैं। ठीक है, रोशनी नहीं लगती ना। अच्छा, पहले ही नीचे वाले गमले ऊपर रखवा देते हैं, बाकी कुछ और अगर एक्स्ट्रा चाहिए होगा फिर मार्केट चलते हैं। पहले नीचे चलते हैं, सुन, इस लंडूरे को भी सुला देते हैं पापा के पास। चल बेटी। तो गाइस, धूप भी सेक लिया और धूप में बैठ के खाना भी खा लिया, बहुत आया मजा ऊपर खाने खाने में। अब जो है नीचे के जो पौधे है ना हमारे, वो बेचारे बिल्कुल धूप नहीं लगती उनको बालकनी में ना, पहले सारे पौधे ऊपर लगवा देते हैं, उसके बाद मैं मार्केट जाती हूँ और जो जो मुझे लेके आना है छत के लिए वो ले आती हूँ। तो गाइस, ये वाले जितने भी हमारे प्लांट्स है ना, कितना क्यूट सा हमारा फ्लावर आया, इस फ्लावर का नाम नहीं मुझे पता, आप लोग बताना अगर आपको पता हो तो। तो जितने भी पौधे ना वो भी ऊपर लेके जाने हैं, साथ साथ ना मुझे और पायल को मार्केट भी जाना है, 2-4 काम भी है। पायल अभी चीकू को सुला रही है, तो जब तक पायल चीकू को सुलाती है मैं शावर ले लेती हूँ, शावर लेके मार्केट के लिए रेडी हो जाती हूँ। तो गाइस, नहाने से पहले मैं आ गई हूँ छत पर, क्योंकि हम लोग आए हैं, मैं और शांति आई अपने चूल्हे को क्या करने, शांति बोल सकते चूल्हा तोड़ने? हाँ, ईंटें निकाल के बाहर रख देंगे।
नया चूल्हा लेकर आएंगे, ठीक है? तो मैं और पायल जाएंगे मार्केट, नया चूल्हा लेकर आएंगे और मैं शांति की मदद करने के लिए आई हूँ। शांति बस इसको निकालना ही है ना, हाथ तोड़, जोर लगेगा, मैं तो नहीं खींच सकती। ये तो शांति हाथ से निकल गया। तो बहुत ही प्यार से और मेहनत से बनाया था, यही बात हम अभी कर रहे हैं। बट क्या करेगा, ये जो चूल्हा है ना ये सही नहीं था, इसमें दिक्कत आ रही थी, तो नया चूल्हा लेकर आने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। शांति ये सही भी नहीं बना था, इसमें दरारें आ रही थी ना, हाँ कढ़ाई नहीं रख पा रहे थे। तो यहाँ पर ना बहुत सारे कपड़े आ गए हैं, दो बार के कपड़े हैं, ये वाले कपड़े भी और ये वाले कपड़े भी, सब लगाने हैं। ये सब प्रेस के कपड़े हैं, इस पर बहुत सारे कपड़े चले गए थे क्योंकि ना बीच में आंटी हमारी नीचे जो प्रेस वाली आंटी है ना वो गाँव गई हुई थी, तो फिर हमने किसी और को कपड़े दिए ही नहीं, तो जमा कर लिए, दो गठरी हो गई थी इस बार। तो यहाँ पर ना हमारे जो ब्लैंकेट है ड्राई क्लीन होकर आ गए हैं, तो इनको मैं बेड में रखवा देती हूँ क्योंकि अब ये विंटर्स में यूज नहीं होंगे, समर्स में होंगे। तो गाइस हम लोग निकल गए चूल्हा लेने के लिए, थोड़ा सा लेट हो गए, मतलब इतना लेट नहीं हुए, 6 बज रहे बट ऐसा लग रहा है से बाहर 9 बज रहे हो। और चीकू के पापा की प्लानिंग चल रही है कुल्लू मनाली शिमला जाने की, बट वो कंफ्यूज है कहाँ उनको जाना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से तो उनको पहले शिमला जाना चाहिए ना, क्योंकि पहले कुल्लू मनाली ना काफी दूर पड़ जाएगा और चीकू भी साथ में है, तो काफी मतलब ट्रैवल में बंदा थक जाता है। तो हमारे जो ट्रैवल वाले भैया है ना विजेंद्र भैया, जो चीकू के पापा के मोस्टली टिकट करते हैं, तो उन्होंने स्पेशली बोला की भाभियां तो नहीं जा रही, हमने कहा नहीं नहीं हम नहीं जा रहे, शिमला जाना हमारा सेफ है बट हम शिमला भी नहीं जा रहे, कुल्लू मनाली के लिए तो बिल्कुल मना कर दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा जितना रास्ता आधा मतलब आधा रास्ता आधा रास्ता उबड़ खाबड़ है, पूरा गोल 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 गोल, तो वॉमिट आने के बहुत चांसेस रहते हैं वहाँ पे। गाइस अभी जो चूल्हा हमें मिला है ना यहाँ पे सीमेंट का पक्का चूल्हा है, कहीं भी उठा के रख सकते हैं, पोर्टेबल है, और मैंने इस पे तवा रख के देख लिया है क्योंकि मुझे लग रहा था यहाँ पे ना वो लोहे की डंडी नहीं है तो ये तवा अचानक से रख सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये वाला हम अभी फिलहाल के लिए चूल्हा ये वाला ले रहे हैं, और इसके साथ मैं एक हांडी भी ले रही हूँ अभी। तो गाइस यहाँ पे ना हमारी हांडी भी आ गई है, हमने ये हांडी ली है और इसको ट्राई कर ली है और इस पे बिल्कुल फिट आई है, तो ये भी हम ले रहे हैं हांडी। इस हांडी में कुछ बन सकता है ना, साग हो चिकन हो मतलब कोई भी डिश बन सकती है ना अच्छे से। तो एक जो चूल्हा ना एक चूल्हा मैं ये वाला भी ले रही हूँ लोहे वाला, इसमें ना आग तपने के भी काम आएगा और कभी कभी इसको भी यूज कर सकते हैं हम। तो ये अभी फिलहाल के लिए तो ये है, फिर बाद में ना भैया गांव से बनवा के लाएंगे घर से, तो फिलहाल ये और वो दोनों ले रहे हैं। गाइस गाँव में ना पहले हमारे पास ऐसा ही होता था, कद्दूकस कहते हैं गाजर, इसमें हम लोग इसी में करते थे, आज के जमाने में इतना फैशनेबल आ गया है सब कुछ, पहले यही चलता था और ये मात्र 50 रुपए का है। तो यहाँ पे ना हम तैयारी कर रहे हैं हांडी पे कुछ बनाने के लिए, तो पायल ने बोला चॉपिंग करते हैं फटाफट, तो मैंने 3 प्याज 2 टमाटर और लहसुन ले लिया है, तो ये तो ज्यादा हो जाएंगे लहसुन, 2 लहसुन छील दूंगी। गाइस यहाँ पे हमारे नए चूल्हे की शुरुआत हो गई है और इसमें आग बहुत अच्छी जल रही है, दीवार से थोड़ी सी दूर है, अभी बस हांडी जो है ना वो गंदी थी उसे धोने के लिए नीचे ले गए। गाइस आज ना पूरी ऊपर की छत ना पूरी सेट करी है, पूरी सेट करी है, क्योंकि ना ऊपर की छत पूरी खराब हो गई थी, नीचे जो टूट फूट थी उसे ठीक कराने के लिए पूरी घास हटाई थी, तो उस घास को फिर से सेट करना एक पजल था हमारे लिए, बहुत बड़ा टास्क था। अभी भी ना जो ये साइड के है ना ये ढंग से लगे नहीं है, इनको हम तसल्ली से बाद में लगाएंगे। और मुझे ना ऊपर सांस इसलिए चढ़ी है क्योंकि अभी जीने से मैं चढ़ आई थी ऊपर, इसे सांस चढ़ रही है, मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगी उसके बाद बनाऊंगी बढ़िया सा। शेफी भैया जो है ना उनको पहली बार वो हांडी चिकन चूल्हे वाला खाएंगे, तो उनके लिए बना रही हूँ। तो ये जो चिकन बनेगा ये बनेगा सरसों के तेल में, सरसों का तेल आ गया, यहाँ टमाटर प्याज और लहसुन, ये लहसुन की 2 कलियां ना मैं अलग से डालूंगी क्योंकि ये जो कलियां है ना सॉरी गिर गया, इसे धोना पड़ेगा, तो ये जो कलियों का टेस्ट है अलग से आएगा। तो गाइस सबसे पहले रखते हैं हम अपनी हांडी, हांडी नीचे से धो के ले आए अच्छे से, और ये हांडी बिल्कुल परफेक्ट आ रही है इस। तो गाइस यहाँ हमारी हांडी का जो पानी था जिसे धो के लाया था वो सूख गया है, मैं इसमें डालती हूँ फटाफट तेल। तो गाइस मैंने सबसे पहले इसमें डाल दिया जीरा, और जीरा हो चुका है क्योंकि आग बहुत तेज जल रही है, तो मैं फटाफट इसमें डाल देती हूँ प्याज। तो यहाँ मैं फटाफट से प्याज जो है वो भून लेती हूँ। तो गाइस उस तरफ ना देखो, उस तरफ इतना धुआं आ रहा था तो मेरी आंखों में आंसू आ गए चिकन बनाते बनाते, और अब जो है मैं पहले बैठ गई हूँ, प्याज को पहले फटाफट से भून लेती हूँ, उसके बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और लहसुन अदरक से भी डालूंगी। गाइस इसमें आपको ना ये 2 लहसुन की कलियां दिख रही होंगी, लहसुन की कलियां मैंने जो है ना वो इसमें जायका बढ़ाने के लिए डाली है, और इसके साथ ही ये भून जाएगी, इसके बाद मैं टमाटर डालूंगी। तो गाइस मैंने पहले नीचे बैठी थी तो नीचे कंफर्टेबल नहीं हो रही थी बिल्कुल भी, तो अभी ना मैंने ये टेबल ले लिया और मैं इस पे बैठ गई मुड्डे पे, और अब मैं बिल्कुल कंफर्टेबल। ये जो मसाला है ना ये गोलू ने खुद घर में ना भून के, इसमें है हरा धनिया, इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जावित्री और चिनमिन जो भी और होते वो भी है, वो भी खड़ा तेज पत्ता भी डाला था, तेज पत्ते को भी हमने वो कर लिया। तो यहाँ पर ना लाइट लगी हुई है और राहुल गया मसाला टेस्ट करने के लिए, ध्यान से राहुल, ध्यान से बेटा, बिल्कुल सही है, नमक मिर्च कम है, ये ज्यादा है, बिल्कुल ओके। पायल टॉर्च से चलाती हूँ, मैं अपना फोन लेती हूँ, मेरे फोन से फ्लैश लाइट ऑन करती हूँ, कर दी ऑन। तो ये रहा मसाला, तो गाइस ये देखो
ये देखो मसाला, ये घर का मसाला है, कोई बाहर का मसाला नहीं है इसमें। लोग क्या करते हैं चिकन में ना बाहर का मसाला, चिकन मसाला, मीट मसाला डालते हैं, हमारा सब कुछ घर पे हमने भून के बनाया है। तो गाइस आज सच में हवा इतनी कम चल रही है ना, बहुत कम हवा चल रही है, मतलब ना के बराबर ही है, एकदम बढ़िया से काम हो रहा है। इस साइड डंडा लगाया है, इस साइड डंडा नहीं लगाया, तब भी आराम से काम हो रहा है। बस चीकू के पापा का फटाफट अच्छा से चिकन बन जाए और शाफी भी अभी खा ले, फिर हम लोग जाएंगे नीचे। को इतना सामान खा नहीं पाओ, इतना लेके जा रहे हो सुबह तक, तो खाना तो बेटा बोलने की ध्यान से मुझे लगे ध्यान से। अच्छा गुड्डू तो बाय, ध्यान से जाना, बाय भैया, बाय चीकू, लव यू, मिस यू, याद आए तो आ जाना जल्दी। तो गाइस पूरी दो गाड़ियां भर के हमारे बच्चे निकल गए हैं और सारे बॉयज जितने भी बॉयज है सब चले गए हैं टूर के लिए, मजा लेने के लिए। तो मैंने जाते जाते ना चीकू को, शैफी भैया को और चीकू के पापा को ना कान ढकने वाला भी दे दिया, मैंने कहा इससे आपके कान ढके रहेंगे, जो भी चीजें सब दे। ओ माय गॉड, शुक्र है शांति ने ना मिर्ची तल के गई है, क्योंकि ना सब्जी बनी थी सोयाबीन आलू, और सोयाबीन आलू मुझे इतना ज्यादा पसंद नहीं है, तो अब मैं इसके भरोसे खाना खा लूंगी। तो खाना आ चुका है, गोलू भी आ चुकी है, पूरा एक घंटा बात करके आई है मम्मी से आज। गाइस मैंने इतनी सारी बातें करी ऐसी, मतलब बेफालतू की बातें, इधर की उधर की, मतलब होता नहीं कि आओ बहन बातें करें, चुगली नहीं बातें करें, तो वो कर रहे थे। तो गाइस बस अब खाना वाना आ गया, तो खाना खा लेते हैं और थोड़ी देर देखते हैं मूवी, उसके बाद जो है अपना सोने का काम तैयारी करते हैं। तो बस इस व्लॉग को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जाके सब्सक्राइब भी कर लेना, और जिसने अभी तक गाना नहीं देखा है डीजे पे नाचूंगी वो भी जल्दी जाके नंबर 1 रिकॉर्ड्स पे गाना देख लीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।